शेयर क्या है, हम ये एक उदाहरण से समझते हैं। सुरेश की दिल्ली में एक चॉकलेट कंपनी है। कुछ समय पहले ही उसने अपने व्यापार को बढ़ाने का फैसला किया और इसीलिए उसे 10 लाख रुपए की जरूरत है। सुरेश के पास 5 लाख रुपए है और उसे और 5 लाख रुपए की जरूरत है। ये रकम जुटाने के लिए सुरेश ने अपने कंपनी के 50% मालिकाना हक देने का फैसला किया और उसका रूपांतर 500 शेयर्स में किया। उसने प्रत्येक शेयर्स की कीमत 1000 रुपए प्रति शेयर रखी। आगे 50 निवेशकों ने प्रति 10,000 रुपए निवेश करके प्रति 10 शेयर्स खरीदने का फैसला तय किया। इस तरह से सुरेश की कंपनी में प्रत्येक निवेशक 1% का शेयर होल्डर बन गया। 5 साल के बाद सुरेश की कंपनी ने व्यापार में बड़ी उन्नति की और कंपनी का मार्केट वैल्यू 1 करोड़ तक पहुंच गया और इसी तरह से हर एक निवेशक का निवेश 10 गुना से बढ़ गया और वह 10,000 से 1 लाख बन गया। शेयर्स ये कंपनी का एक भाग है और उसे कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है।